क्या आपने गर्लफ्रेंड के पास या वेश्या के पास जाकर टेस्ट करना जरूरी है या करना चाहिए या वो ठीक है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लड़के लोग आते रहते हैं और उनके दिमाग में एक बिलीफ है कि मैंने हस्तमैथुन किया और हस्तमैथुन से मेरा लिंग दुबला हो गया, पतला हो गया, छोटा हो गया और अभी बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। अभी 29 साल का लड़का है, शादी होने की बाकी है। अब ये बताओ कि 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में जब वो बच्चे का आदमी बनता है, पुरुष बनता है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 16 के 18 साल की उम्र में काफ़ी सारे स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते रहते हैं, ऑटोमेटिक इरेक्शन होते रहते हैं। थोड़ा देख लिया, कुछ आवाज़ सुन लिया, इरेक्शन हो रहे। अभी क्या हो जाता है कि 29-30 साल की उम्र तक ऐसे स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस कम हो जाते हैं। इसको लगता है कि देखो आजकल मेरे इरेक्शन नहीं हो रहे, टाइटनेस नहीं आ रहा है, लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, मेरे को इरेक्शन का प्रॉब्लम है और मैंने अस्तमैथुन किया, इसके वजह से ऐसा हो गया, ऐसा उसको लगता है। फिर वो टेस्ट करने के लिए जाता है, अपने गर्लफ्रेंड के पास में जाएगा, वेश्या के पास में जाएगा। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक लड़का आया, पूना है, अकोला का रहने वाला, पूना में गया था कुछ काम के लिए। मालूम पड़ा कि बुधवार पेट में पूना के बहुत सारी वेश्या रोड पे खड़े रहती है और बुलाते रहती है। वो वहाँ गया, एक सुंदर लड़की उसको देखी, उसने देखी, उसने उसको स्माइल किया, तो वहाँ पूछा उसको, तो बोले ठीक है आ जाओ। वो अंदर लेके गई, बोले कितना रेट है, बोले 300 रुपये रेट है। उसको बोला बहुत सस्ते में क्या प्रॉब्लम है, 300 रुपये में कोई महंगा नहीं है, इसलिए वो गया। अब वो तो ऐसा है कि वेश्या जो कोई भी है, वो कोई उसको मालूम है कि नया खिलाड़ी पुराना खिलाड़ी है, वो तो समझ जाती है। उसने क्या किया, उसने बोला चलो निकालो 300 रुपये, 300 रुपये ले लिया उसने और बोले चलो करो जल्दी जल्दी। अब ये पहले ही घबराया हुआ पूना जैसे बड़े सिटी में गया, वेश्या के बस्ती में गया और वहाँ उसको वो बोल रहा है कि चलो, वो बोल रही है कि चलो जल्दी निकालो फटाफट करो। तो वो मतलब उसको फुर्सत भी नहीं, मतलब कोई फोर प्ले नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो जल्दी करो। वो भी सो गए, वो ऐसा वर्णन कर रहा है बिल्कुल पूरा लड़का, वो भी सो गए, उसने कपड़े उतार लिए, बोले चलो करो जल्दी करो। और फिर उसके ऊपर वो बोल रही चलो जल्दी करो, कोई पुलिस आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो कोई आ जाएगा करो जल्दी करो। फिर उसको इतना घबराया गया, उसको कुछ इरेक्शन नहीं हो रहा, बोले क्या आप आदमी भी नहीं है, क्या करना है, चलो जाओ निकलो उठो चलो भागो, आपको कुछ नहीं जमता है। इतना डर गया वो लड़का, उसने कपड़े पहन लिए और इतना सा मुंह करके बाहर चले गया। उसको लगा अपने को सुसाइड करना चाहिए, उसने खुद को संभाल लिया। होता क्या है कि ये टेस्ट करने जब जाते हैं तब डेफिनेटली बहुत टेंशन है, वरी है, एंजाइटी है, होगा नहीं होगा। वेश्या के पास में गए तो उसको तो सिर्फ पड़ी है पैसे की, वो तो कुछ फोर प्ले में ना इंटरेस्टेड लेती है ना कुछ करती है। तो ऐसे जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए टेस्ट करने के लिए। जो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझता है, कभी भी टेस्ट करने के लिए वेश्या के पास में जाना नहीं है। वैसा तो कभी भी टेस्ट करने के लिए कहीं भी जाना नहीं है, क्योंकि जब आप टेस्ट करने के लिए जाते हो दिमाग में वो है कि मैं फेल हो जाऊँगा कि नहीं, सक्सेस होऊंगा कि नहीं, और उसमें वो फेल ही हो जाता है। फिर कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड के पास में जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जगह मिलते हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। खेत में मिलेंगे, बगीचे में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे, कहीं भी दोस्त के कमरे में मतलब रूम पे जाएंगे, लड़की के घर पे, खुद के घर, कहीं ना कहीं ऐसा फटाफट फटाफट करना है और वो भी जल्दी जल्दी करना है, कोई आ जाएगा कोई देख लेगा, ऐसे इसमें टेस्ट होता नहीं है। मैं हरदम बोलता हूँ कि इरेक्शन जो है वो आता है जब आपका माइंड रिलैक्स हो। टेंशन एक तो ऊपर आएगा या टेंशन नीचे आएगा, दो जगह एक साथ टेंशन रह नहीं सकता। तो आपने कभी भी गर्लफ्रेंड के पास में भी टेस्ट करने के लिए जाना नहीं। फिर लड़के पूछते, फिर मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं आदमी में हूँ कि नहीं हूँ, मैंने शादी क्यों करना चाहिए, शादी किया और लड़की को मैं खुश नहीं कर पाया, सेक्स नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब ये तो विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल कैसी है कि मैं जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, और मैं बोलता हूँ शादी नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे, और शादी करने के बाद में भी हो सकता है कि 7 दिन 8 दिन 15 दिन आपको जमेगा नहीं। मैं हरदम साइकिल का एग्जांपल देता हूँ, बाइसिकल का। उनको पूछता हूँ कि बाइसिकल आप सीखे कितने दिन लग गए, बोले लगे 2-4-8 दिन। बोला ऐसा हुआ क्या कि बाइसिकल आपने हाथ में लिया, फटाक से टांग मार दिया और बाइसिकल चलाना सीख गए? नहीं होता ऐसा, गिर गए, लग गया, घुटने फूट गए, खून आया और आपको लग गया मार, अच्छी मार लग गई, बाद में आप बाइसिकल सीखे,
वैसे इसका है। तो टेस्ट करने के लिए कभी भी आने का नहीं है। टेस्ट करना यानी अपने आप को और खाई में लौटने जैसा है, क्योंकि आप टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। फिर अभी किसको टेस्ट करने जाना ही है, तो फिर आपने वो जो सेक्स वर्कर है या आपकी गर्लफ्रेंड है उसको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। समझो आप 300 रुपये दे रहे हैं, उसको बोलना अभी 3000 रुपये ले, 300 नहीं 3000। एक तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और अभी जो बोल रहे कि करने हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, आप 3000 रुपये ले, मगर आराम से शांति से, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे सपोर्ट कर। आपके 10 ग्राहक 300-300 वाले मैं अकेले 3000 रुपये दे रहा हूँ, मगर ऐसा आराम से शांति से मुझे बैठ लेके बातें कर, शांति से कर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे वक्त आपने कबूल करना है कि नहीं, मैं डर के मारे आया हूँ, मुझे टेस्ट करने आया हूँ, मुझे जमता नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस दे। ऐसा आप गर्लफ्रेंड या सेक्स वर्कर को बोल सकते हैं, ताकि वो आपसे बराबर व्यवहार करेंगी, आपको सपोर्ट करेगी, फोर प्ले करेगी, आपको एक्साइट करेगी, तभी आपका सेक्स बराबर हो जाएगा। अन्यथा आप, मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट करो ही मत, शादी कर लो। जब आप मास्टरबेशन करके हस्तमैथुन करके वीर्य निकालते हैं और शुक्राणु की संख्या वीर्य में 2 करोड़ के ऊपर यदि है, तो फिर वो नॉर्मल है, और वो टेस्ट करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि वो बराबर है, तो फिर शादी के पहले टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। शादी कर लो, पत्नी को बोलो कि मुझे डर लगता है, मैंने सेक्स नहीं किया भाई के, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और उसको कॉन्फिडेंस में लो। 2-4 दिन हो सकते हैं कि आपका नहीं होगा, 2-4 दिन एक दूसरे को समझ लो, बातें करो, सेक्स की बातें करो, फोर प्ले करो, और बाद में लुब्रिकेंट सब वापर करो। लुब्रिकेंट का वापर करके, जेल का वापर करके आप आराम से सेक्स कर सकते हो, जिसमें आपका सेक्स सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग ये चक्रव्यूह में अटके हुए हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा तभी शादी करूंगा, और मैं बोलता हूं शादी करो बाद में सक्सेस होंगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।